जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे, और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स का आज उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड देखिए आया है धनवंतरी जी का, गॉड ऑफ मेडिसिन। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है कि आप जो भी व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि जाए कि नहीं जाए, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल जाइए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप उसमें अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। ओके, और या ऑलरेडी जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई एजुकेशन आप कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, आप डॉक्टर, नर्स या कुछ भी इस तरीके की लाइन में हैं आप, यहाँ पे आपके प्रोफेशन में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला है, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रोथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली है। और साथ में जिन भी व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुँच रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है। ओके, आपके आसपास यहाँ पे हर वक्त आपके एंजल्स रहते हैं, आपकी पूरी स्पिरिट टीम यहाँ पे आपके साथ रहती है। ओके, और साथ में अगर कुछ व्यूअर ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, तो यहाँ पे एक वो उन्हें उस बीमारी से पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ उससे रिलीफ पाने के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस आपको यहाँ पे ज़रूर मिलने वाली है। ओके, और ये गाइडेंस ऐसी होगी जिसमें आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और देखिए मैसेज भी यही है, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़। यहाँ पे आपको फ्रीडम भी मिल सकती है उस डिजीज़ से, उस बीमारी से, या आप हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो मानसिक रूप से, मेंटल रूप से कुछ परेशान हो, कुछ डिस्टर्ब हो, तो वो भी उस डिस्टर्बेंस से भी वो फ्री हो पाएंगे अब। ओके, और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज डेफिनेटली बढ़ने वाली है। स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने का जो मैसेज है वो रेगुलरली आ रहा है, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे शेषनाग, तो जब शेषनाग जी आए हैं, दोनों ही कार्ड में आप जो है वाइट कलर देखें कितना ज़्यादा है, कितनी ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन जो एक प्योर वाइट होता है ना, वाइटनेस जो कलर होता है, जो वाइट होता है वो प्योरिटी का सिंबल होता है। इसमें भी आप देख रहे हैं चारों तरफ डिवाइन वाइट लाइट है, डिवाइन की वाइट लाइट है, प्योरिटी है यहाँ पे। और इस कार्ड में भी जो है शेषनाग जी, यहाँ पे देखिए डिवाइन की प्योर वाइट लाइट है जो यहाँ पे शाइन कर रही है। तो आपकी लाइफ में ये डिवाइन की जो प्योर लाइट है ना, वो आप रिसीव कर रहे हैं, जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो आप नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, जो आप इनर वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। ओके, जिन भी पर्सन तक आप व्यूअर्स तक ये मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो मिस कर दे अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आपको इस वक्त थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। ओके, आपको अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिल्कुल सही है, तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए आई है, आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। डेफिनेटली आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आप जिनको भी अपना ईस्ट मानते हैं, वो हर वक्त आपके साथ हैं। और यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट भी हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आप अपना किस लेवल तक अपना आप पेशेंस बनाए रख सकते हैं। ओके, उसके लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आपके सामने ला सकते हैं कि उसमें आपको ये टेस्ट देना है कि आप किस लेवल तक अपने पेशेंस को बनाए रख सकते हैं। ओके, लेकिन यूनिवर्स आपको उसमें हारने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं। जिस तरीके की स्ट्रेंथ आपको ज़रूरत है ना इस वक्त आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी सरकमस्टेंसेस हैं, है ना, आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग, तो वो स्थिति में आपको दी जा रही है। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे माँ सुभद्रा, बेस्ट ओवर ऑफ डिवोशन, तो डेफिनेटली आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ने वाली है, आपकी यहाँ पे ब्यूटी बढ़ने वाली है, और डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड ऐसे आए हैं, देखिए ये धनवंतरी जी का कार्ड भी ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए आया है,
और उसके बाद यहाँ पे माँ सुभद्रा का कार्ड भी ब्लेसिंग्स के रूप में आया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है इस वक्त। तो आपको अपने हीलिंग पर ध्यान देना है इस वक्त, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है। क्योंकि और अगेन देखिए यहाँ पे इस कार्ड में भी आप देख रहे हैं कितना वाइट है, कितना प्योरिटी है सुभद्रा माँ के, जो पीछे चारों तरफ बैकग्राउंड है उसमें, हालांकि ये ईश्वर के ही कार्ड्स है तो सभी पॉजिटिव है, लेकिन वाइट कलर जो है वो यहाँ पे डिविनिटी का सिंबल होता है और आपकी डिविनिटी डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ रही है। आपकी डिविनिटी, आप जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, उससे आपका ऑरा जो है बहुत डिवाइन हो रहा है। ओके, आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली अब आपकी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी आपके पॉजिटिव ऑरा से बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये किसी भी लिए हो सकते हैं, आपकी हीलिंग एनर्जी उन्हें मिले इसलिए भी हो सकते हैं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लोग हो सकते हैं। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, आपको जिनके साथ नेगेटिव फील होता है उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मत्स्य अवतार, तो ये श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हैं, डिवाइन से आपका यूनियन हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो आपका डिवाइन से यूनियन हो रहा है। और जब डिवाइन से यूनियन हो रहा है तो यहाँ पे आपके पर्सन का भी और आपका दोनों का ही यहाँ पे इनर यूनियन भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का इनर यूनियन भी इस वक्त इन प्रोसेस है। और जब यहाँ पे इनर यूनियन होता है तभी यहाँ पे आपका 3D में यूनियन भी मैनिफेस्ट होता है और आप उसी प्रोसेस में हैं। ओके, यहाँ पे और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत एक पीसफुल एनर्जी आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली रीडिंग्स में ऐसा ही मुझे फील हो रहा है कि आप अब एक ऐसी बैलेंस्ड एनर्जीज में आपको स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी अब ये सोच रहे हैं कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब हमें अपनी ग्रोथ पर, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अब कम्प्लीटली सेल्फ लव की एनर्जी में आने वाले हैं अब। और साथ में यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिया जा रहा है, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है आपके स्पिरिट गाइड्स ने। और जो भी व्यूअर्स यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के जिन भी स्वरूप की आप पूजा आराधना करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके डेडिकेशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप जिस डेडिकेशन के साथ अपना वर्क कर रहे हैं या आपको अपना सोल पर्पस दिया है तो आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, या जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन से अपना वर्क कर रहे हैं, उसके लिए वो वर्क यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपका डेडिकेशन यहाँ पे देखा जा रहा है। ओके, यूनिवर्स स्वयं यहाँ पे आपके डेडिकेशन को देख रहे हैं और आप और आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि आपका डेडिकेशन यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाएगा। ओके, और साथ में यहाँ पे प्रिजर्विंग एंशियंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं जो आपके एंसेस्टर्स के टाइम की थी। ओके, कुछ ऐसी स्किल्स यहाँ पे आपके अंदर डेवलप हो रही हैं या सामने आने वाली हैं जो अभी तक आपके आपको नहीं पता थी, कुछ ऐसी स्किल्स यहाँ पे आपके अंदर ऑलरेडी थी जो आपके एंसेस्टर लाइन से आई हुई है। ओके, वो यहाँ पे वो स्किल्स जो है वो बाहर आने वाली है और यहाँ पे उसमें आप बहुत नेम फेम आपको मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके, ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपके एंसेस्टर्स, अगर आप जानते हैं जिनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो वो करते थे, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे, या फिर नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद ही इस चीज़, इस एनर्जी से आपको कनेक्ट कर देंगे सही समय आने पर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मदर गाया, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। जब मदर गाया यहाँ पे आई है मदर अर्थ और मैंने 444 देखा है, तो यहाँ पे मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में है और आप यहाँ पे बहुत सारे गुड कर्मास कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अब अपने अपने कर्मास पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अब ये समय ऐसा है कि आपको ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जहाँ पे आपके कर्मास क्रिएट हो जाएं। ओके, आपको गुड कर्मास करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जो आपको ईश्वर की गुड लिस्ट में यहाँ पे लेकर आए। ओके,
यहाँ पे आपको किसी और को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ईश्वर को ही खुश करना है। जब ईश्वर ही खुश है तो यहाँ पे आपको किसी और को खुश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, और आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं, तभी यहाँ पे माँ मदर अर्थ यहाँ पे आई है आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। और अगेन यहाँ पे देखिए मदर अर्थ का हाथ भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में है। तो तीन कार्ड यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में आए हैं और बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। या आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे अबंडेंस, यहाँ पे न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो रही है। ओके, क्योंकि पीछे जो है वो सनराइज भी है और सूर्य उदय का मतलब यहाँ पे एक नई शुरुआत का है। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे धान्य भी है, मतलब गेहूं है, और जो गेहूं होता है वो प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस का को शो करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो रही है। ओके, आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं आपकी मटेरियल वर्ल्ड में आपको ग्रोथ हो रही मिलने वाली है। और जो यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में है आपको यहाँ पे मदर अर्थ की डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही हैं आप, क्योंकि मदर अर्थ के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप करने वाले हैं। ओके, और जब आप मदर अर्थ को सर्व करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो भी गुड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं ना, आप जो नाम जप कर रहे हैं या आप हो सकता है मदर अर्थ के लिए नाम जप भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे मदर अर्थ खुद आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आई हैं। और जब मदर अर्थ आपसे खुश हैं तो यहाँ पे आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आप डेफिनेटली यहाँ पे अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आउल है वो माँ लक्ष्मी का ही वाहन है, आप सभी जानते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो घर लेना चाहते थे, या हो सकता है आप कुछ ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो वो इन्वेस्टमेंट आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ऐसी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आप जिस तरीके की प्रॉपर्टी आप चाहते थे या आपका ड्रीम हाउस आप चाहते थे वो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे डेफिनेटली आपका एक्सपेंशन और ग्रोथ होने वाली है। आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं ना व्यूअर्स, तो उस एरिया में आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो मतलब आप डायरेक्टली यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं। ओके, और जब डायरेक्टली आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं तो आपको ये बात समझ, इस बात पर विश्वास रखना है कि आप सही पाथ पर हैं। ओके, बिल्कुल सही पाथ पर हैं, इसमें आपको कभी भी कोई डाउट नहीं करना है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज आया है, दो कार्ड्स में प्रोटेक्शन का मैसेज आया है, तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आप जो भी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्शन कंटिन्यू लेते रहना है, प्रोटेक्शन में कोई लापरवाही नहीं करनी है। ओके, और उसके बाद देखिए इसी के साथ में आया है काम देवता, और यहाँ पे यमुना माँ भी हैं, यमुना देवी। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं ले पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब काम देवता आए हैं, गॉड ऑफ लव, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। स्वयं काम देवता यहाँ पे आपकी, और मुझे शिव जी महादेव की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको, आपके लिए मिल रही हैं आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे बहुत या तो हो सकता है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन आपको ये गाइडेंस है कि आपको ऑप्शंस में आपको अपना इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी चूज कर लिया सिर्फ फॉर ए शॉर्ट टाइम, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में आपके पर्सन इस वक्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पर्सन को यहाँ पे चूज़ करते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। ओके, यहाँ पे आपके डेडिकेशन का, आपके पेशेंस का, आपके कमिटमेंट का टेस्ट भी हो सकता है। आपको ये बहुत अलर्ट रहना है और ऐसी किसी भी अट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। ओके, क्योंकि ऐसे इस तरीके की अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपके कमिटमेंट का टेस्ट यहाँ पे होता रहेगा। और ये टेस्ट जितना आप टेस्ट पास करते जाएंगे उतना आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपने पर्सन के साथ। ओके, और यही रीज़न है कि आपको यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी डिज़ायर से फ्रीडम रखनी है, आपको अपनी डिज़ायर से डिटैच होकर रहना है। ओके, आप बिल्कुल भी डेस्परेशन भी एनर्जी में ना जाएं। जब हम डेस्परेशन की एनर्जी में जाते हैं ना तो वो एक ब्लॉकेज का काम करता है, क्योंकि हमारे माइंड में हर वक्त हमारी सिर्फ विश ही चलती रहती है, और ऐसा होते होते कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाते हैं। ओके, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपने जो विश है अपने यूनिवर्स को बता दी है, अपने स्पिरिट गाइड्स को बता दी है, उन्हें पता है आपको क्या चाहिए,
अब आप उसको साइड में रखिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने सेल्फ लव को कीजिए साइड में रख के, मतलब सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के चरणों में। ओके, वो जिस भी तरीके से आपका यूनियन करवाना चाहेंगे वो ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखिए। और हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, यहाँ पे वो डिवाइन टाइम यहाँ पे आपकी लाइफ में भी ज़रूर आएगा। ओके, ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, थोड़ा सा पेशेंस आप ऑलरेडी रखे हुए हैं, बट हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है ना, और वो समय जो है वो डिवाइन ही जानते हैं, और उसके लिए हमें पेशेंस रख के सरेंडर करते हुए, पूरा विश्वास ट्रस्ट करते हुए ही आगे बढ़ना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आज आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए और बहुत पॉजिटिव रहिए, है ना। चाहे हो, मैं मानती हूँ बोलना आसान है, कहना आसान है, मैंने अभी 11-11 देखा है कि ये यूनियन का नंबर है 11-11 डेफिनेटली। ओके, और मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में और उसके बाद नेक्स्ट नवंबर में आपका यूनियन डेफिनेटली होगा। ये फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकता है, या आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप नो कांटेक्ट जोन से बाहर ज़रूर आएंगे। ओके, लेकिन अपना ट्रस्ट आपको बनाए रखना है। इस वक्त आपके ट्रस्ट का, आपके पेशेंस का टेस्ट, आपके कमिटमेंट का टेस्ट चल रहा है। ओके, और ये टेस्ट आपको किसी भी कीमत पर पार करना है, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो हार्डवर्क किया है उसे आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ओके, तो आई होप आप समझेंगे इस बात को, और रीडिंग कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत इतना प्यार आप मुझे देते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, और मेरी हेल्थ के लिए भी इतनी प्रार्थनाएं करते हैं। तो इतने प्यारे मैसेजेस पढ़ के तो मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कई बार। तो थैंक यू सो मच, यूनिवर्स को मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है कि मुझे इतने प्यारे व्यूअर्स दिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने प्यारे व्यूअर्स से कनेक्ट करवाने के लिए। एंड अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।